दोस्तों कल हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में जहां शुभमन गिल ने तेज गति से अपने शतक को पूरा करते हुए महफिल में खुशियां भर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल के घर से एक दुखद सूचना मिलने पर शुभमन गिल के शतक की खुशी भी बदल गई मातम में। शुभमन गिल जैसे ही अपने नाबाद शतक को पूरा करते हुए 126 रन जड़ के खुशी खुशी पवेलियन लौट रहे थे, तभी इनके घर से एक सूचना मिलते ही अचानक शुभमन गिल के चेहरे से खुशी ही गायब हो गई। क्या है खबर दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल के ताबड़तोड़ शतक के लिए इस वीडियो पर दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जहां ये फैसला टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। वहीं इस मैच में हर बार की तरह ईशान किशन फ्लॉप साबित हुए और मात्र एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, और बाकी खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी 44 रन, सूर्य कुमार यादव 24 रन और हार्दिक पांड्या ने 30 रन बनाए। वहीं ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल ने इस मैच में तबाही मचा दी थी। हालांकि इससे पहले भी हाल ही में हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में शुभमन गिल ने अपना दोहरा शतक जड़ एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। अब वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ कल हुए तीन टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में फिर से शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी से कीवियों के पसीने छुड़ा दिए थे। शुभमन गिल कल हुए तीसरे टी20 मुकाबले में 63 बॉल खेलकर नाबाद अपने शतक को पूरा करते हुए 126 रन जड़ और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम शामिल कर लिया। लेकिन शायद शुभमन गिल को अपने शतक की खुशी मनाने की उनके नसीब में नहीं लिखी थी, क्योंकि जब शुभमन गिल अपने पारी को खेलकर पवेलियन लौट रहे थे, तभी गिल को उनके घर से एक बहुत ही दुखद सूचना सुनने को मिली, जिसे सुन अचानक शुभमन गिल के चेहरे पर खुशी के बदले में मायूसी छा गई थी। शुभमन गिल ने मैच के बाद एकदम भावुक होकर बोली कि मेरी प्यारी बहन की तबीयत मैच के दौरान अचानक बहुत बिगड़ गई थी और उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हालांकि शुभमन गिल को इस बात का पता तब चला जब वो अपने पारी को समाप्त कर वापस पवेलियन लौट रहे थे। शुभमन गिल के बातों को सुन टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के बीच एकदम सन्नाटा छा गया और सभी खिलाड़ी भी एकदम भावुक हो गया। हालांकि मैच समाप्त होने के तुरंत बाद शुभमन गिल अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। शुभमन गिल की बहन की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए भगवान से मेरी